हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम करण मुटरेजा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो मैं यहाँ पर तुम्हारा केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो तुम्हारा वहां पर रिडॉक्स चल ही रहा है, ठीक है? दिव्या मैम करवा रहे हैं, 2 दिन वीक में ये वाला चैप्टर होगा, ठीक है? बाकी दिव्या मैम करवाएंगे, वो 3 दिन होंगे जितने भी, ठीक है? तो वीक में 2 दिन हमें ये वाला चैप्टर देना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, आनंद लेके करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस चैप्टर को हम यूं खत्म कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है। तो सबको क्लियर है ना? बोर्ड क्लियर है, आवाज क्लियर है, इतना बता दो। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तुमसे, ठीक है? पहली क्लास में सबसे पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है? मेरा क्वेश्चन तुमसे है, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर? बहुत आराम से करेंगे, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर, आंसर दे दो। सबसे पहले मेरा ही क्वेश्चन है तुमसे, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर? बहुत बढ़िया, कईयों का आ रहा है, 4, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 5, 3, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को आता है। तो जो बोल रहे हैं आंसर 3, वो मारे कांटा, जो बोल रहे हैं आंसर 5, वो भी मार सकता है, एक पार पर कांटा मार सकता है। समझाता हूं, आइए समझते हैं क्यों। सबसे पहली बात है, मैंने तुमसे हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर पूछा है, तो हम वैसे अगर क्वेश्चन करें कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो आंसर होता है हमारी 2 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। एक होती है मेरी फिजिकल स्टेट और एक मेरी होती है केमिकल स्टेट। समझ रहे हो? मतलब कि हमारी 2 फिजिकल स्टेट होती है और एक केमिकल स्टेट होती है। जो मेरी फिजिकल स्टेट होती है वो आगे 5 में होती है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। पहली कौन सी? सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है? और जो मेरी केमिकल होती है वो 2 होती है, प्योर और एक इम्प्योर। तो अगर कोई तुमसे पूछे, जो तुम आंसर देते हो 3 या 5, तुम बेसिकली उसकी फिजिकल स्टेट की बात कर रहे होते हो, ठीक है? तो तुम्हारे लेवल पे यही बोल देते हैं कि हम डायरेक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर क्वेश्चन हमारे माइंड में जैसे ही आता है, हमारे माइंड में उसकी फिजिकल स्टेट आती है। तो कोई टीचर भी अगर तुमसे पूछता है तो तुम आंसर 5 देते हो, वो सही बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से तुम्हारी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, इनडायरेक्टली मतलब होता है ना कि स्टेट्स ऑफ मैटर इनडायरेक्टली वो तुमसे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ही पूछ रहा है। लेकिन हम क्या, हम तो भाई कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे, तो हमारा थोड़ा सा एक तरह से आईक्यू लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो हम वही लेते हुए चलेंगे, सबको पीछे करते हुए चलेंगे और हर एक बात को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये बात चमकी नहीं चमकी? बताओ, चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? चमका, चमक रहा है, ठीक है? ठीक है, तो अगली बात आती है कि जो तुम्हारे लिए खुशखबरी की बात, हमें इनके बारे में अभी नहीं पढ़ना, इसमें भी इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें बस इन तीनों के बारे में पढ़ना होता है। उनमें से भी इस चैप्टर में हमें बस इसके बारे में पढ़ना है, ये हम 12th में पढ़ते हैं। अभी पूरा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पूरा हमारे जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कैसे हो रहा है। और ये जो लिक्विड है, ये बेचारा एक तरह से अनाथ ही लगा लो कि उसका कोई है नहीं, कभी उसको 11th में डाल देते हैं, कभी 12th में डाल देते हैं, बस वो बेचारा घूमता ही जा रहा है, उसको आवारा कर दिए, ठीक है? तो हमने तो 11th 12th कहीं पर भी करे, हमारा मेन फोकस तो कॉम्पिटेटिव है, ठीक है? तो हम चाहे 11th में पढ़े 12th में पढ़े, ठीक है? तो हमारे ये जो चैप्टर है 11th में, तो बेसिकली बस ये जो गैस स्टेट है ना, ये इसी को ही पढ़ना है हमें, ठीक है? तो समझ रहे हो? तुम्हारा इतना सारा सिलेबस इसमें से लगा लो, मैं सभी काट दिया, तो पढ़ना क्या है, बस ये वाला पार्ट पढ़ना, ठीक है? मतलब तुम्हारे लिए तो खुशखबरी की बात है, वैसे तो हमें बस ये वाला पार्ट पढ़ना है इसमें, ये हम 12th में पढ़ लेते हैं दोनों। और इनके बारे में तो भाई अभी तो दुनिया ही जानकारियां निकाल रही है, साइंटिस्ट काम में लगे हुए हैं, तो अभी इनके बारे में तो हमें बुक्स में आने में, जब तुम अपना पढ़ पुढ़ बैठोगे, बच्चे बुच्चे हो जाएंगे, तब जाके तुम्हारी बुक्स में आएंगे, तो तुम्हें तो कोई टेंशन लेनी नहीं। इनके बारे में प्योर इम्प्योर वगैरह हम पढ़ लेते हैं, सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं इनके बारे में ज्यादातर, ठीक है? और बाकी ये वाली चीज तो तुम्हारी हो। अब बात आती है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस है, मतलब हमें जो पूरा 11th 12th में जिनके बारे में जानना है
वो हमारे सॉलिड लिक्विड और गैस ही है, ठीक है। इस चैप्टर में चाहे हम गैस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सॉलिड लिक्विड बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन मतलब कि भाई जब तुम जब से तुमने साइंस लिया है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है सॉलिड क्या, लिक्विड क्या, गैस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं जो मैंने सॉलिड लिक्विड और गैस बोले हैं, ठीक है, उनके बीच में सॉलिड लिक्विड और गैस बनते कैसे हैं, अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं मेरे, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को छोड़ के खाली अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ जो मेरे फोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फोर्सेस के बारे में कोई बता सकता है कितने टाइप के मेरे पास फोर्सेज होते हैं, कोई बता सकता है, बोलना। तुम्हारे बिल्कुल दिमाग के पर्दे खोल दिए जाएंगे बेटा, मेरा नाम करण है, करण, सारे पर्दे खोल दिए जाएंगे, सब चमकेगा, तुम्हें गैसेस अपने इमेजिनेशन में दिखने लगेंगी, ठीक है। तो आंसर है फोर्सेस मेरे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेरे एटॉमिक, या हम उसको एक तरह से क्या बोल देते हैं केमिकल, ठीक है, केमिकल बोलना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है, केमिकल फोर्सेस, ठीक है, और एक मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। जो ये मेरे केमिकल फोर्सेस होते हैं, केमिकल फोर्सेस मेरे एटम्स के बीच में होते हैं, एटम्स के बीच में जो फोर्सेस जो हमारे बॉन्ड बनते हैं, याद करो तुम बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो ना, अभी तुमने पढ़ा नहीं है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चैप्टर, लेकिन तुम इतना तो पता है ना क्या क्या पता तुम्हें, तुमने थोड़ा बहुत तो आइडिया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा नहीं पता तो है ना आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड कुछ होता है, कुछ से मान लो कुछ तो पता है ना तुम्हें, बस तुम्हें कुछ से ही बहुत है मेरे लिए, मतलब ये जो सारे फोर्सेस होते हैं ये केमिकल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, और ये जो मेरे फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेटा मेरी क्लास में सुन लो, जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, स्पेशल डिक्टेट करके लिखवाऊंगा, बाकी जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो जितना तुम नोट पर लिख सकते हो, ठीक है, अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। जो तुम्हारे नोट्स जरूरी है, मतलब जो चीजें लगा लो कि जो तुम्हारे सीबीएसई में भी पूछी जाती है, ठीक है, वो मैं सब लिखवाऊंगा, ये जैसे जो मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए है, ठीक है, जो नोट्स में लिखेगा उसका एक तरह से फायदा ही है, ठीक है, तो साथ साथ लिखते रहना जो तुम्हें अपनी भाषा में जो भी तुम्हें लगे, ठीक है, लिखने की बात है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो मेरे स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं, एक तरह से वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो ये मेरे वीक फोर्सेस है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मेरे एटम्स के बीच में जो मेरे फोर्सेस होते हैं वो जनरली केमिकल फोर्सेस होते हैं, और जो मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे हैं, समझ रहे हो, जो मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स और एटम का डिफरेंस तो पता ही है ना तुम्हें, एटम्स के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना, ठीक है, मतलब एक तरह से ये लगा लो कि अगर मुझे एक ऑक्सीजन दूसरे से मिलाना है तो O2 बनता है, ठीक है, तो ये वाला मेरा फोर्स कौन सा है, ये मेरा केमिकल फोर्स है, और हम इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। तुम्हें ये ना सोचना सर हमें तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पता ही नहीं है, उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बस इतना ये बता रहा हूँ ये दो एटम है उनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है, ठीक है, वो मेरा कोवलेंट बॉन्ड है और वो मेरा केमिकल बॉन्ड है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में बन रहे, ठीक है। लेकिन अगर मैं दो ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स ले लूं, ये मेरे दो मोलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो मेरा बॉन्ड होगा, बॉन्ड मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं फोर्स, बॉन्ड कुछ भी नहीं होता, बॉन्ड एक इमेजिनरी चीज है जो बस एक तरह से अट्रैक्शन, ठीक है, समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन मतलब ये नहीं कि किसी ने एक रस्सी से बांध रखा है, इसका मतलब है कि दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो वो एक दूसरे के साथ किसी फोर्स के साथ बाइंड है, याद करो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह 9th 10th में पढ़ते थे, ये थोड़े कि अर्थ को सन ने पकड़ रखा है और घुमा रहा है अपने इशारों पे, वो बस एक अट्रैक्शन होता है जो दिखता नहीं है, बस एक अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मेरा कौन सा हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इतनी बात चमकी नहीं चमकी, एक बार बता, बेसिक बात है बताइए, सिंपल चीज है तुम्हारा इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है, कि चैप्टर में एक्चुअल में होना क्या, ठीक है, बोलो। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं कि जो मेरी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, या जो हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टीज को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं, सब एक दूसरे इंटर रिलेटेड है, बताता हूँ। अगर हम प्रॉपर्टीज को दो हिस्सों में बांटें, एक मेरी होती है एटोमिक प्रॉपर्टीज, अभी देखना तुम्हारा कैसे एक तरह से फ्लो बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है, एक मेरी मोलिकुलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, एटोमिक प्रॉपर्टीज में मेरी कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, एक आ जाती है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर ये टर्म्स हमने सुनी नहीं हुई, अभी बताता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, और बहुत कुछ आता है,
और इसमें मेरी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में मेरी कौन आती है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी एटम के लिए डिफाइन होती है, समझ रहे हो, एटम के लिए डिफाइन होती है। और ये हम पीरियोडिक चैप्टर में पढ़ते हैं, अभी जब तुम भी आगे जाके पीरियोडिक चैप्टर पढ़ोगे ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वहां पर तुम इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो टेंशन ना लेना, तुम्हें बस यहाँ पर लिख लो, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे, चैप्टर तुम्हारा चैप्टर होता है, ठीक है। इनके बारे में जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है, इस चैप्टर में हम इनके साथ डील करेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टिंग्विश करते हुए क्रिस्टल क्लियर की तरह बता रहा हूँ कि हमें क्या चीज पढ़नी है, कौन सी चीज कौन से चैप्टर में पढ़नी है, ताकि तुम्हारा बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब बुनियाद स्ट्रॉन्ग रहेगी तो, ठीक है, तो तुम्हारा लैंडर बढ़िया होना चाहिए, बाकी घर तो बढ़िया बन ही जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है और एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती है। अब बात आती है कि सर इन दो, इन सबको सारी जो आपने डॉट्स डाली है उनको कनेक्ट कर दो, तो आइए हम कनेक्ट करते हैं। और सुनो मेरी बात, हाँ ये बात बताना भूल गया कि अभी मैं तुमसे आगे पूछूंगा, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मैं वहां तुमसे आके जब एक टॉपिक जैसे जैसे खत्म होगा तुमसे पूछूंगा, ठीक है। अभी कुछ ऐसा है नहीं, बस एक तरह से ये है कि तुम्हारा एक बस एक बेस बन रहा है कि होता क्या है, ठीक है। इसमें चैप्टर के बुनियाद बना रहे हैं हम, ताकि चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग हो सके। अभी आगे पूछूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। एक और चीज बस समझ लो, मैं क्या बता रहा था, मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं इनको इंटरलिंक करता हूँ। तो मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरी स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ी है, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, उसकी मैंने फिजिकल स्टेट पढ़ी, ठीक है, फिजिकल स्टेट पढ़ी। फिजिकल स्टेट्स में मैंने कौन सी पढ़ी, सॉलिड, जो हमें काम की चीजें, लिक्विड और एक गैस, मतलब जो जो हमारे काम की चीजें उन्हें निकाल रहे, ठीक है। इनकी हम अगर बात करेंगे ये कैसे बनते हैं, इनको पढ़ने के लिए हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़, ठीक है, और इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हेल्प से हम उनकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अब समझ रहे हो, चमक रहा है, मतलब मैंने जो सब बताया है वो सारा हमने कैसे एक तरह से ब्रीफ में बता दिया। मतलब क्या हो गया, हमें स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स की बात की, हम इन तीनों को पढ़ेंगे, बाकी दो को हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। और ये तीनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे करता है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। मतलब कि ये तीनों एक दूसरे डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे है, उसका आंसर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इनकी वजह से उनकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज आती है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। तो इतनी बात बताओ, चमका नहीं चमका, चमका नहीं चमका, ठीक है। तो बड़े आगे बताओ, ठीक है, तो बात आती है कि कुछ चीजें होती है। अब बात आ रही है, सर आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताए जा रहे हो, अब ये भी बता दो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, लिख लेना बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो लिख लो, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन The forces of attraction or repulsion that exist between interacting particles, मतलब क्या हो गया कि ये मेरा force of attraction है, कुछ भी नहीं, intermolecular forces क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेरे पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके बीच में होता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। एक अगली टर्म आती है थर्मल एनर्जी, अब इनके बाद में रिलेशन बताऊंगा। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। थर्मल एनर्जी मतलब क्या होगा, एक तरह से ये लगा लो कि मैं बेचारा उदास बैठा हूं, मैं ये बैठा हूं, नन्ना मुन्ना बालक यहाँ पर रामू शामू, ठीक है, ये बैठा है, ठीक है। उस तुम बताओ कि अगर मैं इसको नीचे से आग लगा दूं, समझ रहे, बम रख दूं नीचे, मतलब क्या, इनडायरेक्ट में यहाँ पे आग लगा रहा हूँ, वो चेयर पे बैठा है, चेयर बैठे नीचे से आग लगा रहा हूँ, तो क्या करेगा बताना। अगर मैं नीचे से आग लगा देता हूँ वो क्या करेगा बताओ, अगर मैं नीचे से आग लगा देता हूँ वो क्या करेगा, उछलेगा, कूदेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जैसे ही मैं मान लो इस रूम में बैठा हूं, ठीक है, इस रूम में आठ पार्टिकल्स बैठे हैं,
तो पार्टिकल्स को अगर मैं एक तरह से हीट कर दूं, हीट मतलब इनडायरेक्टली टेम्परेचर दे दूं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उस, तो पागल हो जाएंगे, कूदने लगेंगे, कूदने कोई उधर भागेगा कोई उधर भागेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली मैंने उनको एनर्जी दे दी। तो जो एनर्जी हमारी टेम्परेचर की वजह से आती है वो मेरी थर्मल एनर्जी होगी। अब एक बात है, हमारे जो एटमोसफेयर भी है, एटमोसफेयर भी एक तरह से एनर्जी है, मतलब जो बोलते हैं मारूम टेम्परेचर 23 सेल्सियस, ये थोड़ी की एनर्जी नहीं है, कईयों के लिए तो बहुत ही गर्मी होती है इसमें, समझ रहे हो ना, ये भी एक तरह से एनर्जी है, ये नहीं है कि हीट करना ही मतलब एक एनर्जी होती है, ये टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी आ रही है, तुम्हें कुछ दिख रहा है 20 डिग्री सेल्सियस भी, कईयों के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब पसीनों पसीन हो जाते हैं ठीक है, मतलब कई चीजें पिघल जाती है, मतलब हम रूम में रखते हैं हम उसको टेम्परेचर नहीं दे रहे, वो पिघल गई, इसका मतलब ये थोड़ा हमने उसको हीट किया था, मतलब ये भी एक तरह से कोई ना कोई तो टेम्परेचर ही है ना, 100 हमें लगता है कि 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है, 20 नहीं, लेकिन उनसे पूछो, बर्फ से पूछो, बेचारी बर्फ पिघल जाती है, उसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस में बेचारी एकदम पानी पानी हो जाती है ठीक है। तो अगर मैं बोलूं थर्मल एनर्जी क्या है, तो थर्मल एनर्जी को मैं क्या बोल सकता हूं, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये बस स्टेटमेंट लिखने के लिए है ठीक है, कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन नोट्स बढ़िया बने अच्छे लगते हैं ठीक है, बस लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ थर्मल एनर्जी मतलब क्या है, कि किसी भी बॉडी का की एनर्जी टेम्परेचर की वजह से ठीक है, मतलब वही एनर्जी होता है, लिखने के लिए तो कुछ भी लिखवाते रहते हैं ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन होती है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस लिख लो एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, थर्मल एनर्जी मेरी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये हमारे लिए काम की चीज है, मतलब कि मेरे को ये समझना है कि अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी थर्मल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी ठीक है। तो मैं इनडायरेक्टली और क्या बोल सकता हूँ इसको, मैं और क्या बोल सकता हूँ, मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बस जो लिखने वाला काम था वो खत्म, अब हम बहुत मजे से समझेंगे इन चीजों ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं आग लगा रहा हूँ तुम्हें, नीचे तुम बैठे हो, मैं नीचे जा रहा हूँ, कूदो करूँ, अगर तुम कूद रहे हो, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमारी वेलोसिटी हाफ एम स्क्वायर तो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया कि मेरे अंदर एक तरह से एनर्जी आ गई, मैं कूदने लग गया, भाग रहा हूं मैं कभी इधर कभी उधर कभी उधर ठीक है। तो इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया, थर्मल एनर्जी कुछ भी नहीं है, मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट है ठीक है, मतलब मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इतनी बात चमकी नहीं चमकी, चमका नहीं चमका, चमका अच्छे से चमकना चाहिए, हल्की से भी डाउट नहीं रहना चाहिए, हल्का सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, चमक गया ठीक है। तो हम बात करते हैं और मस्त बात करते हैं, और डिटेल में जाते हैं इसकी, हम मुझे वो पसंद नहीं है कि भाई गैसियस स्टेट स्टार्ट किया उसके बाद सीधा लिख दिया गैस लोस वगैरह वगैरह, तुम बोर होते रहो बासियां दे रहे हो, हमें वो नहीं, हमें बिल्कुल फील करना चैप्टर को, हम उसको फील करते हुए पढ़ेंगे, ऐसा लगे कि भाई मूवी देख रहे ठीक है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए, तुम इमेजिन ऐसा लग रहा है कि गैस का पार्टिकल तुम्हारे आसपास घूम रहे ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल मस्त बनाने पड़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे ठीक है। तो बात आती है कि सॉलिड लिक्विड और गैस कैसे पैदा होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीनों स्टेट कैसे पैदा होती है, मतलब क्या हो गया, तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ये मेरी आइस पड़ी है, प्यारा सा नन्ना सा मेरा क्यूब पड़ा है ठीक है, आइस ठीक है, नन्ना मुन्ना मेरा प्यारा आइस का क्यूब पड़ा है जो हंस रहा है बहुत मजे से हंस रहा है ठीक है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं ना, अंदर जाऊं तो अंदर मुझे क्या दिखेगा, ये बिल्कुल चुपके चुपके से मेरे पार्टिकल्स पड़े, इतनी बात सबको पता है बोलो, ऐसे पड़े हैं इनडायरेक्टली, अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो ऐसे ही पड़ा होता, पड़ता है सोलिड के अंदर पार्टिकल को स्पेस नहीं होता ठीक है, यही पड़ते हैं। फिर मैंने इसको आग लगा दी, नीचे से बैठे मजे से इसको हमने आग लगा दिया, हाँ मजा आ गया इसको, हमने गर्मी दे दी, जैसे ही मैंने इसको हीट दी क्या होगा, इनडायरेक्टली बेचारा सैड हो जाएगा, सैड क्यों होगा भाई, हो गई किसी के नीचे आग लगा दोगे कूदेगा बेचारे को ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैंने उसको क्या दिया, आग दी, आग से इनडायरेक्टली मैंने उसकी क्या कर दी, थर्मल एनर्जी बढ़ा दी। बोलो थर्मल एनर्जी का मतलब यही तो होता था कि पार्टिकल्स का एक तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना से मतलब मेरा थर्मल एनर्जी बढ़ाना, मतलब क्या हो गया,
अब पार्टिकल्स के बीच में बेचारे प्यार से पड़े थे, इनके बीच में बढ़िया प्यार से पड़े थे सारे पार्टिकल्स, लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने आग लगाई, अगर तुम बताओ, मैं तुम मान लो तुम सारे बच्चे बैठे हुए, ठीक है, एक टेबल है बहुत बड़ी सी, ठीक है, उस पर तुम 10 बंदे बैठे हो, ठीक है, नीचे से मैं आग लगा देता हूँ, क्या होगा बताओ, एक कूदेगा कूदेगा, एक उधर कूदेगा, एक उधर कूदेगा, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो तुम इतने मजे से दोस्ती निभा रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे, जैसे आग लगाऊंगा तब हाथ सब छूट जाएंगे, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहां भागेगा, कोई कहां भागेगा, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या होगा, मेरे सारे पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या था, ये तो था उनकी दोस्ती, दोस्ती यही तो थी, ये मेरे दो बंदे बैठे हैं, इन्होंने अपना मस्त हाथ पकड़ा हुआ है, दोस्ती नहीं मारे है, ये मेरे इनडायरेक्टली इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो इसका था इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम थे, इसमें इसमें मैक्सिमम, ठीक है, ये मेरे मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स थे। फिर जब मैंने इसको हीट दिया तो मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, मेरे पार्टिकल्स दूर दूर भाग गए, क्योंकि तुम्हें पता था इनडायरेक्टली इसमें काइनेटिक एनर्जी आ, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, इनकी थर्मल एनर्जी जो थी वो मेरी क्या थी, मिनिमम मिनिमम थी, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या थे, मैक्सिमम। अब मेरा विचार है ये बन के क्या बन गया, पानी की बूंद बन गया, पढ़ते हैं ना पानी की बूंद, अभी पानी की बूंद बन गया कोई नहीं, फिर भी थोड़ा सा खुश है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो खुश अभी भी है, ठीक है, अभी मेरा लिक्विड बन चुका है, ठीक है, पानी बन चुका है, ये मेरा क्या था, सॉलिड था, बेचारा भैया लिक्विड बन चुका है, पानी की बूंद है, थोड़ा बहुत खुश है। अब मैंने क्या किया, मुझे तो भाई मजा आ रहा है, मैं इसको फिर से नीचे आग लगा दूं, आग लगाई, कूदेगा ये और कूदेगा, अब क्या होगा खुद बताओ, अगर ये बेचारे थोड़ी दूर दूर भी बैठ गए, फिर मैंने क्या किया, दोबारा आग लगा दी, किसी से अगर हम पंगे लेते रहेंगे तो क्या होगा, अब बेचारों ने कोम थोड़ा सा रखा था, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, आग लगाने से मेरा क्या हुआ, ये जो लिक्विड था, लिक्विड के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स पड़े थे, ठीक है, अब क्या हुआ, लिक्विड के अंदर मैंने जब पूरा आग लगाई, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल कहीं कहाँ पड़ा है, मतलब इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया, मैंने उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, मतलब जो उनकी दोस्ती थी ना पूरी तोड़ ही दी, और इनडायरेक्टली मैंने उनकी क्या कर दी, अभी मेरी क्या बन गई, गैस, गैस को कैसे बनाऊं, ठीक है, मेरी गैस है ये गैस, ठीक है, गैस ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर इसको कम हटाना चाहूं, अगर मैं इनको करना चाहूं, तो ये मेरे क्या हो गए वो, ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, लिक्विड, और ये मेरी कौन सी स्टेट हो गई, ये मेरी हो गई गैसियस स्टेट, तो अब ये मेरी क्या हो गई, गैसियस स्टेट। तो ये पूरी कहानी से तुम्हें क्या समझ आया, इतना बता दो, इतनी कहानी से तुम्हें क्या समझ आया, इतनी कहानी से तुम्हें क्या समझा, बेटा ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, ठीक है, लेकिन बस समझाने के लिए था, ठीक है, इतनी बात से तुम्हें क्या समझ आया बताना, इतनी बात से तुम्हें एक बात ये जरूर समझ आ गई होगी कि इन तीनों की जो मेरी स्टेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो मेरी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि मैं क्या इससे कंक्लूड कर सकता हूं, अगर अगर इन दोनों का बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, अगर बहुत ज्यादा है थर्मल एनर्जी से, तो मेरी कौन सी स्टेट हो जाती है, फिर मेरी हो जाती है सॉलिड स्टेट। अगर अगर मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्स लगभग बराबर, मान लो बराबर या थोड़े से ज्यादा, थोड़े से ज्यादा मेरे इसके हो जाते हैं, तो मेरी कौन सी स्टेट, लिक्विड स्टेट। और अगर मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्स थर्मल एनर्जी से बहुत कम हो जाते हैं, तो मेरी कौन सी स्टेट बन जाती है, गैसियस स्टेट। तो मतलब मेरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि मेरी जो स्टेट होती है वो कुछ भी नहीं है, वो इन दोनों में जो कंपटीशन हो रहा है, हमने दंगल करवा दिया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इधर बैठे हुए थर्मल एनर्जी, उन दोनों में जो जीतेगा वो मेरा डिसाइड करेगा कि मेरी कौन सी स्टेट है। अगर मेरी थर्मल एनर्जी जीत गई, थर्मल एनर्जी जीत गई मतलब मेरे अंदर ज्यादा उधर, मतलब ज्यादा बचपन है, कूद रहा हूं ना मैं, अगर कूद रहा हूं तो मतलब मैं गैस हूं, गैस कहीं पर भी भाग सकती है। अगर मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गए, तो मैं बेचारा एक जगह पर ही बैठा रह जाऊंगा, हिल भी नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने उनको जकड़ दिया है, मतलब कि बिल्कुल डर के बिट कांप रहा बंदा, इसलिए वो क्या सॉलिड बन गया। तो कुछ भी नहीं होता, इन दोनों के बीच का मेरा कंपनसेशन होता है, जो जीत जाता है वो मेरी स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, वो डिसाइड करता है। इतनी बात चमकी नहीं चमकी, बोलो चमका नहीं चमका, अच्छे से चमका या नहीं चमका, चमक तो गया होगा, अच्छे से चमका या नहीं चमका बेटा, वो तुम्हें कंपेयर नहीं करनी होती सुनील, तुम्हें कंपेयर नहीं करनी हो,
बेटा अभी तो मैं कुछ कुछ करवा ही नहीं रहा, बेसिक चीजें करवा रहा हूँ, कुछ ऐसा कराया ही नहीं अभी तो मैंने, अभी तो मैं तुम्हें फ्लो में ला रहा हूँ बस। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक तरह ये चीज नोट कर दिया, जिसने करने थी, जिसने मतलब कुछ लगा था इम्पोर्टेंट तो नोट कर लेना अपने, ठीक है, मतलब कि जो लिखवाने की चीज मैं बोल ही रहा, बाकी ये तो आपको कहानियां वगैरह है तुम्हारा इंटरेस्ट बनाने के, ठीक है, मतलब कि तुम्हें एक्चुअल में फील हो कि भाई केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है, हम इंसानों जैसी है, इंसानों जैसी होते कुछ भी नहीं होती। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सोलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में सबसे कम, गैस में सबसे ज्यादा, तो ये मेरा किसका ऑर्डर हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, ठीक है। और मेरा अगर मैं बात करूं सॉलिड में सबसे कम क्या होता है, लिक्विड में सबसे ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा, तो ये किसका ऑर्डर होगा मेरा, थर्मल एनर्जी का, समझ रहे हो, मतलब क्या होगा अगर मैं इनको ऑर्डर में लगाना चाहूं तो मेरा थर्मल एनर्जी का ऑर्डर ये होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर ये होता है। इतनी बात समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो, ठीक है। अब हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, ठीक है, अब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर टाइप पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक टर्म पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता है, थोड़ा सा भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता है, बता दो एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पता है, बोलो, सबको पता है, बता दो एक बार, सबको पता है ना, थोड़ा बहुत ही, हाँ बस थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए, ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि मेरा एक बंदा बैठा है गब्बर, ठीक है, स्नोलेक्स टाइप, ठीक है, ये मेरा स्नोलेक्स टाइप हो गया, और एक बंदा बैठा है मरियल सा, ठीक है, एक मेरा गब्बर है और एक मेरा मरियल सा, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप क्या की, घर बनाया जिसमें 50% इसका कंट्रीब्यूशन, 50% इसका, ठीक है, मतलब दोनों 50-50 है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कायदे से तो वो इलेक्ट्रॉन बीच में रहना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, तो कायदे से इसके सेंटर में होना चाहिए, लेकिन ये अभिचार, ये बहुत ही खड़ूस बंदा है, खड़ूस मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, बहुत ही तेज बंदा है, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा एक तरह सेल्फिश बोल सकते हैं, सेल्फिश, ठीक है, और ये बेचारा शरीफ, शरीफ बंदा, ठीक है, तो जब इन्होंने बॉन्ड बनाया था तो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये हमारा बीच में रहेगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है ना बीच में रहेंगे, लेकिन जब बॉन्ड बन गया, पहले तो इसने कह दिया मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये अंदर से तो बहुत ही गंदा इंसान है, उसने क्या किया, जैसे ही बॉन्ड बना, जैसे ही बॉन्ड बना, उसने इन इलेक्ट्रॉन को, इसने इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लिया, आजा बेटा आजा, अब तो बॉन्ड बन गया, आप कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है ज्यादा इसकी तरफ रहते हैं, कितने ज्यादा रहते हैं वो नहीं, मतलब कि वैसे बीच में रहने चाहिए, लेकिन ये ज्यादा सेल्फिश है, जो ज्यादा सेल्फिश होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। बेटा साइज पर मत जाना, साइज का मतलब मैं बस ये बता रहा हूँ, सेल्फिश है, साइज से मतलब नहीं होता, मतलब बस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ठीक है, मतलब ऐसा खींच लेता है बिल्कुल, मतलब चूस लेता है बिल्कुल दूसरे बंदे को, तो मतलब क्या हो गया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ चली जाएगी सारी, ठीक है, जिसकी तरफ चली जाएगी तो तुम बोल सकते हो उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा भाई नेगेटिव इंसान तो यही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास है तो नेगेटिव, और ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन था वो भी अब इसका पूरा नहीं रहा, मतलब पहले 50% में था, अब उसको थोड़ा सा शेयर ही मिल पा रहा है, तो उसमें पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, दोनों ने जब सौदा किया था तो बिल्कुल बराबर है कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक बार सौदा हो गया, ये बंदे ने उसका बिल्कुल खून ऐसे चूस लिया, और अब ये बेचारा गरीब हो गया, पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और ये अमीर हो गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो मैं इस इंसान को क्या बोलूंगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ध्यान देना हमारे पीरियोडिक टेबल में तो सबसे सबसे एक तरह से लगा लो कि क्या ही बोलूं, सबसे गंदा इंसान है जो वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन बाबा सबके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले चूस लेते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, तुम्हें ये चीज पीरियोडिक टेबल में पढ़नी है, ठीक है, डिटेल में पढ़नी है, तुम्हें हल्का सा बता रहा हूं, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर क्लोरीन होता है, ठीक है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं हराम बंदा है, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत गंदा इंसान है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा गंदा ये है, थोड़ा सा फिर ये ऐसे बहुत सारे है, हमें इन चारों का एक बार ध्यान रखना, तो इतनी बात चमकी नहीं चमकी, बता दो, शराफत और सेल्फिशनेस समझ गए नहीं समझे, बोलो,
ठीक है बेटा, आयनिक बॉन्ड तब होता है जब एक पूरा इलेक्ट्रॉन देते, यहाँ पूरे नहीं लिए उसने, ध्यान दो ध्यान दो, इसने पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, अगर पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेता तो ये पूरा नेगेटिव हो जाता, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन लेता, इसने मैंने बता, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो पहले 50% था, अब वो थोड़ा सा इधर हो गया, मतलब 60% इसका हो गया 40 इसका, आयनिक बॉन्ड तब होता है जब 100% इसका हो जाए 0% इसका, तो इस बात का ध्यान देना, ये कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। बोलो बेटा, डेल्टा का मतलब होता है कि कंप्लीट नहीं है। दिव्या मैम ने करवा दिया बेटा, ये करवा दिया दिव्या मैम ने, तो बेटा ये पहले बताते मैं, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट में करवा दिया होगा ना, चलो बढ़िया बढ़िया, फिर तो कोई नहीं, बढ़िया ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया ना, और बताओ, ठीक है ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बात और चीज समझा रहा था, फिर उसके बाद तुम्हें एक चीज बहुत आसानी से समझ आ रही, एक डायपोल मोमेंट वर्ड होता है, डायपोल मोमेंट, किसी को पता है डायपोल क्या होता है, डायपोल एक वर्ड होता है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल क्या होता है पहले, डायपोल, डायपोल का मतलब पता है, डायपोल का मतलब पता है, बोलो ठीक है, तो आइए समझते हैं, ठीक है समझो, ठीक है, डायपोल का मतलब क्या है, डायपोल का मतलब इनडायरेक्टली है कि मेरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, समझाता हूं मतलब क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो, ठीक है, तो मेरा जो डायपोल का मतलब कुछ भी नहीं होता, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर मतलब क्या होता है, जिस बॉन्ड के अंदर बंटवारे होते, और देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो मेरा बनता है वो हमेशा बनता है 50-50%, ठीक है, लेकिन उसमें जब दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लेता है और एक बेचारा गरीब हो जाता है, जो गरीब होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, जो अमीर हो जाता है उसमें पार्शियल नेगेटिव, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने को ही हम क्या बोल देते हैं, वो मेरा डायपोल की तरह एक्ट करेगा, डायपोल का मतलब कुछ भी नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ, पोलैरिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए, ठीक है, मतलब कि देखने में न्यूट्रल लग रहा था 50-50%, लेकिन ये एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिसकी वजह से पोलर हो गया, ठीक है, तो डायपोल का मतलब समझ गए, बोलो डायपोल का मतलब, ठीक है, तो आइए एक और टर्म समझा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो मुझे टॉपिक बता देना तुम खुद ही मुझे बता दोगे, इतनी गारंटी, ठीक है, एक और चीज होते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल में समझ लो क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल तो तुम्हें वर्ड से इंग्लिश से कुछ समझ आ रहा है कि मैंने किसी को डायपोल इंड्यूस कर दिया, मतलब कि एक तरह से इंडक्शन ऑफ डायपोल किया, इंडक्शन ऑफ डायपोल का मतलब क्या हो गया कि मैंने उसके अंदर चार्ज डेवलप किया, होना नहीं चाह रहा था, जैसे HF था, HF में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है, तुम्हें पता है कि इसके अंदर तो पोलैरिटी आ ही जाएगी, अपने आप आ जाएगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं इंड्यूस कर रहा हूँ पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोलूंगा, इंड्यूस डायपोल, और ये किसमें होता है, ये होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब क्या आइए समझा, ठीक है, मान लो मेरी एक सुंदर कन्या है, ठीक है, और एक सुंदर सा वर है, ठीक है, दोनों की शादी होगी, ठीक है, मस्त मैरिड हैप्पी, ठीक है, बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक उन दोनों के बीच में कौन आ गई, एक सुंदर कन्या एक और आ गई, ठीक है, ये ठीक है सुंदर कन्या आई तो तुम्हें पता है लड़के का मन ललचाया, मन कैसे ललचाया, उसको इससे अट्रैक्शन हुई, ठीक है, जैसे ही अट्रैक्शन हुई तो इन दोनों में मेरा क्या होगा, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, होगा क्या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में शादी, ठीक है, शादी तो 50-50% दोनों का, ठीक है, न्यूट्रल थे बिल्कुल, ठीक है, शादी में स्टेबल थे, न्यूट्रल थे, एक सुंदर कन्या आई, ठीक है, सुंदर कन्या ने आके क्या कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इनके बीच में लड़ाइयां करवाई, जैसे ही लड़ाइयां करवाई बंटवारे होंगे तो इस पर एक चार्ज जनरेट होगा, एक इस पर होगा, इस पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, इससे अपोजिट वाला, क्योंकि तुम्हें पता है अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिश्ता खत्म, और इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा रिश्ता स्टार्ट, और ये पूरा खत्म नहीं होगा, डाइवोर्स तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आइए समझ, ठीक है, आइए इसको यहाँ पर लाता हूँ, ये मेरा एक नेगेटिव चार्ज था और एक मेरा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है, ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, तुम्हें पता है हाइड्रोजन दोनों भाई भाई है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तुम्हें पता है ये भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मेरा 50 यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज को भेजा,
नेगेटिव चार्ज मेरा क्या है, सोतन की तरह काम करेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की शादी हो रखी थी, ये बोर्ड शादी थे और क्या शादी हो रखी है, जैसे नेगेटिव चार्ज आया, ये वाला हाइड्रोजन का मन ललचाया, मन में लड्डू फूटा, जैसे मन में लड्डू फूटा वो क्या चाहता है, उसको यहाँ से अट्रैक्शन, मतलब वही बात है, उसको भाई ये सुंदर लड़की कन्या दिख रही, ये भी सुंदर कन्या ही होगी, ठीक है। तो लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, अगर इसको इसे शादी करनी है तो इसे क्या चाहिए, इसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो क्या कहेगा, ये वाला हाइड्रोजन कहेगा भाई ये जो इलेक्ट्रॉन वाले 50-50 थे ना, 50-50 थे भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तू ही रख ले, मुझे सिंगल दिखना है, मुझे सिंगल दिखना है, ताकि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ये इंडायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा तो इसको भाई थोड़ा बहुत अगर होगा ना, इसने अपडेट कर दिया मेरे ग्रुप का स्टेटस, आई एम सिंगल, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि पूरा तो नहीं ले सकता ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कर दिया, पहले 50-50 था, अब थोड़ा सा उसको दे धकेल दी, भाई तू रख ले मेरे को सिंगल दिखने, ठीक है। तो जैसे हुआ इन दोनों बीच में क्या हुआ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इनडायरेक्टली यहाँ क्या हुआ, शादी नहीं हो रही, बस एक अट्रैक्शन हो रही, इतना भी अट्रैक्शन हो शादी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी बात, ये तो भाग जाएगी, मतलब बस ये इन दोनों बीच में अट्रैक्शन मजबूत हो जाएगा, मतलब हो क्या रहा है, ये मेरा एच और एच था ना, ये मेरा नॉन पोलर था, ठीक है, नॉन पोलर मतलब जहां पर मेरे जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों बिल्कुल सेंटर में थे, लेकिन हुआ क्या, इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से क्या हो गया, इनके बीच में देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और मैं तुम्हें अभी क्या बताया था, जहां पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जनरेट हो जाए, जहां पर ये चीज हो जाए, तो वहां पर इनडायरेक्टली मेरा क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, डायपोल। और ये डायपोल कैसा है, सादा डायपोल नहीं है, ये मैंने इंड्यूस किया डायपोल, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल। कई बच्चों के माइंड में आ रहा था सर ये नेगेटिव वाला क्यों लिया, बेटा अगर ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव अगर ये पॉजिटिव आया तो इसको कौन सा चार्ज चाहिए, नेगेटिव, तो इसको कहेगा इस वाले हाइड्रोजन को कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, ताकि मैं इसको अपोजिट चार्ज बन जाऊं, तो यहाँ पर मेरा पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी तरफ हो गए तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब जो भी चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ये अपने आपको उसी तरह अरेंज कर लेगा, जैसे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया तो एक तरह से डायपोल की तरह एक्ट करेगा, डायपोल मतलब तो यही होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेट होना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, नहीं समझे बोलो, समझ गए अच्छे से, समझे नहीं समझे, समझे अच्छे से या नहीं ये बताओ, तो ऐसे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ आता है ना, चमक गया, बढ़िया चमक गया, ठीक है। अब जो मेरा काम था वो आसान हो चुका है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम्हें एक बार में सब समझ आ जाए, ठीक है। अब जो मेरे को समझानी थी वो बात, क्योंकि तुमने अभी बीच के चैप्टर नहीं पढ़े तो वो मेरा काम हो चुका है, अब बस मुझे कुछ नहीं करना, तुम ही आंसर दे दोगे, जो मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, जो मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो मेरे पांच तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आयन डायपोल, दूसरा आयन इंड्यूस्ड डायपोल, तीसरा डायपोल डायपोल, चौथा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और पांचवा लंडन फोर्सेस बोल लो उसको, या डिस्पर्शन फोर्सेस बोल लो, समझाते हो भी करके क्या होते हैं, या उनको बोल लो इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, कुछ भी नाम ले लो, इन तीनों का कोई भी नाम हो, ठीक है। तो ये जो तीन फोर्सेस है ना, सबके बारे में बताता हूं, ये जो तीन फोर्सेस है, ठीक है, ये वाले जो तीन फोर्सेस है इनको मैं क्या बोलता हूं, इनका नाम होता है, ये तीनों मेरे वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। अब इन्हीं को वंडरवॉल फोर्सेस क्यों बोला, क्योंकि वंडरवॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन तीनों फोर्सेस को डिस्कवर किया था, ठीक है। जहां पर आयन आ गया ना, आयन और वंडरवॉल कोई लेना देना नहीं है, जहां पर आयन नहीं है उन तीनों फोर्सेस को हम वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए या नहीं समझे, इतनी बात बता दो, अभी समझाता हूँ होते क्या ये, ठीक है। इतनी बात समझ गए नहीं समझे बेटा, अभी नहीं समझ पाए तो अब समझ जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक एक करके सारे सबके बारे में बता देता हूँ, सबका चिट्ठा खोल देते हैं, ठीक है, सब क्या क्या करतूते करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयन डायपोल, तो आयन डायपोल तुम्हें नाम से समझ आ रहा होगा, समझ पा रहे हो, आयन डायपोल
के बीच में फोर्स कैसा होगा, याद करो मैंने सबसे पहले सुंदर करने वाला बताया, याद करो मेरा मान लो एक एन ए प्लस है, ठीक है, अगर एन ए प्लस है, ठीक है, एन ए प्लस मान लो मैं एन ए सी एल ले लेता हूँ, ठीक है, एन ए सी एल, ठीक है, और ये मेरा पानी है, ठीक है, एन ए सी एल है और ये मेरा पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैं जब एन ए सी एल को डालता हूँ तो तुम्हें पता है घुल जाता है बिल्कुल, बिल्कुल क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, यही पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने एच टू में ये डाला तो मेरे को पता है मेरी मेरा नमक घुल जाता है, अंदर क्या हो रहा होता है, अंदर एक्चुअल में जो हो रहा होता है वो यही वाला फोर्स हो रहा होता है, इसी फोर्स की वजह से मेरा जो NaCl है वो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। आइए देखते क्या होता है, ठीक है, ये एक तरह से फोर्स ही तो है, वो क्या है देखो, जब मैंने NaCl को वाटर में डाला तो तुम्हें पता है Na किसमें टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस, सबको पता है, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है, और H2O मेरा कैसा है, H2O है मेरा ऐसा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इनडायरेक्टली एक डायपोल की तरह है या नहीं है बता दो, इस बोर्ड के अंदर इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो एक डायपोल की तरह काम करेगा, बोलो सही है सो नो, बोलो सही है सो नो, करेगा, ठीक है, तो ये मेरा डायपोल है, ये मेरा एक पॉजिटिव है, ये सुंदर कन्या, ये एक बढ़िया मैरिड हैप्पीली राइस जीने वाले बंदे, ठीक है, तो वो क्या रहा है इनके अंदर, जैसे मैंने ये दोनों डाले तो होता क्या एक्चुअली में, Na प्लस है मेरा प्लस है भाई राजा ये तो, ठीक है, ये तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, इसमें पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, Na प्लस को पानी के सारे मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं और इनके बीच में एक अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन में ऐसे दिखा रहा हूँ, याद रखना कोई भी इसको ऐसे बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसको बस ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, इसका मतलब होता है कि इंटरेक्शन हो रही है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी सारी इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, और इस टाइप की इंटरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, आयन डाइपोल, और अगर मेरा जो Cl नेगेटिव है वो कैसे रहता है, उसमें मेरा हाइड्रोजन अंदर की तरफ हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ, तो इसी वजह से मेरा जो होता है वो सोल्यूबल होता है नमक, याद करो नमक सोल्यूबल ऐसे नहीं है कि हमें तो बस लगता है चम्मच से घुमा दो, होता है एक्चुअली में ये है इनके बीच, डोटेड से दिखाना याद, दोबारा बोल रहा हूँ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं डालेगा, डोटेड से, तो यहाँ पर मैं जो Cl नेगेटिव था उसको पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं और घेर के उसको अपने अंदर संभाल लेते हैं, संभाल लिया तो वो हो गया सोल्यूबल, तो इतनी बात समझ गए बोलो, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, जब इतनी बात समझ लो, तो मैंने एग्जांपल दिया, आयन डायपोल का मतलब है एक मेरा आयन होगा, आयन मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, ठीक है, एक मेरा आयन है मान लो पॉजिटिव है, उसकी तरफ एक डायपोल आया, डायपोल मैं ऐसे बना रहा हूँ, डायपोल, डायपोल का मतलब क्या है कि एक की तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है, इनके बीच के अट्रैक्शन को मेरा डायपोल है, डायपोल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली मैंने ये बना दिया मान लो HCl बना दिया, ठीक है, तो HCl HCl बना दो, नेगेटिव बनाना है इस तरफ, तो ऐसे बना, ठीक है, तो ये मेरा HCl को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि इधर नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव, मतलब डायपोल दिखाने का ये तरीका होता है, तरीका मतलब मैंने उसको डायग्राम की फॉर्म में बना दिया, नेगेटिव चार्ज इधर है पॉजिटिव इधर, ठीक है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो मेरा क्या हो गया, ये आयन डायपोल इंटरेक्शन होगी, कुछ भी नहीं था, ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि हमारा NaCl पानी में घुलता क्यों, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं, ठीक है, समझ गए इतनी बात, बोलो समझ गए, बोलो बोलो, ठीक है, अब अगले की तरफ चलते हैं, अगर किसी ने लिखना होता क्या तो लिख लेना इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड डायपोल, इसको आयन डायपोल, ठीक है, कुछ ऐसा लिखने वाला कुछ नहीं है, तुम्हें समझ आना चाहिए मेरे, अगली आयन इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल का मतलब समझ रहे हो, इंड्यूस का मतलब कि वो चार्ज बहुत नॉर्मल बंदा था, मतलब वो न्यूट्रल बंदा था, लेकिन मैंने उसके अंदर क्या इंडक्शन कर दिया, इंड्यूस किया, मतलब क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मेरा एक AA मॉलिक्यूल था, ठीक है, अगर AA है दोनों सेम है तो मेरे इलेक्ट्रॉन बीच में रहने चाहिए, बिल्कुल बीच में, लेकिन मैंने यहां से एक आयन को भेज दिया, सुंदर कन्या, ठीक है, आयन को भेजा तो आयन जैसे आएगा नेगेटिव है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके मन में लड्डू फूटेगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल पूरा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने उसकी तरफ भेज देगा, क्योंकि भाई इसको नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए तभी इसके साथ ये अट्रैक्शन कर पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर किया क्या, ये एक डायपोल नहीं था, AA कोई डायपोल नहीं है, लेकिन मैंने उसको डायपोल की तरह बना दिया, कैसे बना दिया, मैं एक यहाँ पर वो आयन ले आया, आयन ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक डायपोल इंड्यूस कर दिया, इसलिए मैंने ये टर्म पहले समझा दी ताकि यहाँ पर तुम्हें क्लियर हो जाए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटरेक्शन बिटवीन अ डायपोल एंड इंटरेक्शन बिटवीन अ आयन
एंड डायपोल इंड्यूस्ड इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल। लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े तो हो गए, इतनी बात समझ आ जानी चाहिए। हुआ क्या है वो समझना, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो ठीक है। इसका कोई एग्जांपल लिखना चाहता हो, अगर एग्जांपल लिखना चाहता हो तो एग्जांपल तुम लिख सकते हो। इसका एग्जांपल NO3 माइनस, और जब मैं I2 के पास लेके जाता हूँ तो ये पता ये नेगेटिव चार्ज है, I2 मेरा नॉन पोलर है ठीक है, क्योंकि दोनों सेम एटम है, जब दोनों सेम होते हैं वो नॉन पोलर होता है। लेकिन NO3 नेगेटिव नहीं, इसके मन में लड्डू फुटवा है, तो तुम्हें पता ही क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पर एक इंट्रैक्शन हो जाएगी। तो कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर डॉट से दिखाना, डॉट से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो इतनी बात समझ गए, बोलो अगले पे चलते हैं, डायपोल डायपोल ठीक है, अगले पे चलते हैं हम, डायपोल 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 का मतलब है, सिंपल सी बात है, दो डायपोल है, डायपोल मान लो मैंने एक एचएफ ले लिया, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो डायपोल ही होते हैं ठीक है सारे ठीक है। एक और मैंने दूसरा एचएफ ले लिया, इन दोनों में तुम्हें पता ही है दुश्मनी ही चल रही है, बस बेफ नाम की शादी है, कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी दोनों आपस में कैसे रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। ये लालची बंदा है, ये भी लालची बंदा है, तुम्हें पता है। अब यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, समझ लो ना, एक ये डायपोल था एक ये डायपोल था ठीक है। डायपोल को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा पार्शियल, यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ठीक है, और यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ठीक है, मतलब ऐसे दिखाने का मतलब है नेगेटिव, यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ठीक है। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो मेरा क्या होगा, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ठीक है, बोलो समझ गए ठीक है। एग्जांपल लिख लेना ये ठीक है, एक बात का ध्यान देना, तुमने वर्ड सुना होगा हाइड्रोजन बोन, सुना होगा हाइड्रोजन बोन, तो इसकी एक स्पेशल टाइप होता है, अ स्पेशल टाइप, इसको अलग से पढ़ते हैं, तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे इसको, अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब हाइड्रोजन बोन को अलग से सम्मान दिया जाता है ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोन ठीक है। हाइड्रोजन बोन कुछ भी नहीं है, वो क्या स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन उसको अलग से इज्जत दी जाती है समाज में ठीक है। वो तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ो क्यों दी जाती है, उसमें एक हाइड्रोजन जरूर होता है ठीक है, जो दो दो एटम है ना उनके बीच में एक हाइड्रोजन जरूर होगा ठीक है। जैसे मैंने ये दिया ना एग्जांपल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन तो पक्का होगा ही होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है ठीक है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तुम्हें डिटेल में अभी यहाँ नहीं जाना, आगे चैप्टर में जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे वहां पढ़ लो। तो इतनी बात समझ गए, अगली बात पे आता हूँ मैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल ठीक है, अगली बात पे आता हूँ, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, यहाँ तक तुम खुद ही बता दोगे, अब तो तुम सीख ही गए हो, एक डायपोल एक इंड्यूस करना डायपोल, तो मतलब क्या हो गया, मैंने एक एचएफ लिया ठीक है, या ऐसे मान लो ठीक है कोई एचएफ लिया, साथ में मैंने यहाँ पर कोई सीधा सा बंदा रख दिया, मान लो आई टू रख दिया, तुम्हें पता है तो नॉन पोलर था, लेकिन ये मेरा पोलर है, तुम्हें पता है ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आया इन दोनों के बीच में लड़ाई है स्टार्ट, अनबन होने लगेगी, अनबन होने लगेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डायपोल, ये मेरा डायपोल था और ये मेरा इंड्यूस डायपोल, और यहाँ पर मैंने इंड्यूस कर दिया डायपोल, मतलब था नहीं वैसे नॉन पोलर था, लेकिन इनके आने की वजह से इनमें एक इंडक्शन हुआ, जिसको मैं बोलूंगा डायपोल इंड्यूस डायपोल। इतनी बात समझ गए, बोलो बोलो ठीक है। अगला लास्ट बचा, अगर तुम समझ ही गए हो, लंडन फोर्सेस ठीक है, या डिस्पर्शन फोर्सेस, इसके थोड़ा सा ट्विस्टेड वाला होता है, ट्विस्टेड मतलब क्या हो गया, देखो मेरा मान लो एक हीलियम का एटम है ठीक है, हीलियम तो किसी का बॉन्ड ही नहीं बनाता, चाहे एटम बोलो मॉलिक्यूल एक ही बात है, मतलब वो एटम ही मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि वो अकेला ही रहता है, तुम्हें पता है नोबल गैस है, नोबल गैस तो किसी का बॉन्ड नहीं बनाती, कोई रिश्ते नहीं बनाती ठीक है, तो मेरा हीलियम ठीक है, और ये मेरा एक और हीलियम का एटम, क्योंकि हीलियम तो तुम्हें पता ही है वो तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, वो किसी का बॉन्ड नहीं बनाता ठीक है। तो वो क्या रहा है, तुम्हें पता है हीलियम के अराउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ घूम रहे, तुम्हें पता है घूमता ही इलेक्ट्रॉन, इतना तो पता ही ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पड़ा होता है थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हीलियम के चारों तरफ ठीक है, इसमें भी यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे, और तुम्हें पता है रुक तो रहा नहीं है ठीक है। मान लो एक तो मैंने उसको क्या करके रोक दिया, कहते ना स्टैचू ठीक है, मतलब हमने उसको स्टैचू किया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने क्या किया देखा कि मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, घूम ही तो रहा था, मैंने मान लो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए मैंने उसको एकदम पकड़ लिया कि मेरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मतलब मैंने एकदम पकड़ लिया, मतलब इनडायरेक्टली मैंने देख लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, घूम रहे थे
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इतना तो पता है ना, मैं मान लो इस रूम में अगर मैं बोलूं कि मैं इस पॉइंट पर आऊंगा या नहीं आऊंगा कभी, तुम्हें पता है कभी तो घूमते फिरते कभी तो ना आऊंगा, चाहे एक सेकंड के लिए आऊं चाहे दो सेकंड के लिए आऊंगा तो सही, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो आएंगे आएंगे इस साइड में, और जैसे ही आएंगे, जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आया पॉजिटिव आया तो दूसरे वाले के मन में क्या लड्डू फूटेगा, लड्डू कैसा फूटेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो भाई रिपेल करते हैं एक दूसरे से, अगर रिपेल करते हैं तो ये नेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें पता है भाई अगर मैं इधर रहा तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, हम दोनों की बनेगी नहीं नेगेटिव नेगेटिव की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पीछे चले जाएंगे और इधर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक तरह का इंट्रैक्शन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं लंडन फोर्स, मतलब ये सबसे वीक होता है, क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा ऐसा जिंदगी में बहुत कम होगा कि ऐसा चीज होती है, होती है बहुत होती है रेगुलरली, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, ठीक है, होगी रुक खत्म, होगी खत्म, होगी खत्म, तो ये सबसे वीक होता है। और इसका मैंने तुम्हें याद करो नाम अभी क्या लिखवाया था, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब क्या हो गया, एट एनी इंस्टेंट यहाँ पर एक डायपोल बना और उसने दूसरे में इंड्यूस किया, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मैंने नाम लिखवाया था इसका, तो ये एग्जांपल उसी का, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बना उसने दूसरे में इंड्यूस किया एक डायपोल, जिसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो इतनी बात समझ गए, बोलो बोलो, ठीक है बढ़िया आगे, ठीक है। अब अगली चीज समझते हैं कि अगर मैं इनको ऑर्डर में लगाऊं कि सबसे मजबूत कौन है, तो खुद बताओ सबसे ज्यादा मजबूत कब होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है जितना अपोजिट चार्ज ज्यादा बनेगा उतना ही वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो तुम्हें अच्छे से पता है एक आयन जो है वो सबसे ज्यादा शादियां बर्बाद कर सकता है, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई एक प्रॉपर आयन है, प्रॉपर है आयन, वो उन दोनों का बॉन्ड ज्यादा अच्छे तुड़वाएगा, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि वो क्या करेगा लालच बढ़िया देगा ना, एक प्रॉपर नेगेटिव आया, ठीक है, वो मेरे इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को ज्यादा आसानी से तोड़ेगा, एज कम्पेयर टू एक मेरा शादीशुदा लोग आए और वो दूसरे शादीशुदा लोग से बीच में लड़ाइयां करवाएंगे, बेटर तो यही करवाएगा ना, क्योंकि आए नहीं है, अकेला है, सिंगल है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, आयन डायपोल लिख लेना, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल, उसके बाद मेरा आता है डायपोल डायपोल, ठीक है, उसके बाद मेरा आता है आयन इंड्यूस डायपोल, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे इस बार जेईई मेंस के पेपर में भी आया था, ध्यान रखना, ठीक है, ये मेरा आयन डायपोल, फिर डायपोल डायपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डायपोल, थर्ड नंबर पे ये होता है, फिर मेरा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डीआईडी, डांस इंडिया डांस, ठीक है, ये, और लास्ट में मेरा कौन सा आता है, लंदन फोर्सेस, ठीक है। तो मतलब मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये और फिफ्थ पे, ये। तो मतलब अगर मैं ऑर्डर में लगाऊं स्ट्रेंथ के बेसिस में, ठीक है, तो स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग सबसे मेरा आयन डायपोल, ठीक है, समझ गए इन सबका ऑर्डर, समझ गए, बोलो ऑर्डर समझ गए इनका, ठीक है। अब मैं अगर इनका देखो, याद करो हम एक चीज पढ़ते हैं ना, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, याद करो हम पढ़ते हैं ना, ऐसा पढ़ते हैं ना कुछ, और जो मेरी एनर्जी होती है वो होती है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, हमने पढ़ा है फिजिक्स में कहीं भी पढ़ा ये वाली चीज, एनर्जी आर आता है या आर स्क्वायर, कुछ पढ़ा हुआ ऐसा, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा ऐसा कभी, ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ कुछ, वहां पर क्या होता था मेरा, ग्रेविटेशन वाला याद कर लो, ग्रेविटेशन में तो पढ़ते हो थोड़ा, ग्रेविटेशन में तो पढ़ते हो, ग्रेविटेशन में तो यही होता है ना कि जितना ज्यादा मेरा ये पावर जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होता है, मतलब अगर मैं आर टू द पावर टू है, आर टू द पावर थ्री करूं, आर टू द पावर फोर, जितना ज्यादा मेरा आर की पावर बढ़ती जाएगी डिनोमिनेटर में उतना ही मेरा फोर्स वीक होता है, समझ रहे हो, मतलब कि मैं आर जितना ज्यादा, आर की पावर जो जितनी ज्यादा होगी उतना ही मेरा फोर्स वीक होता है। तो अगर मैं इस बात की बात करूं तो मेरा आयन डायपोल जो होता है उसमें जो मेरी एनर्जी होती है ना, एनर्जी एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, लिख लेना अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें एटॉमिक में मैंने पढ़ानी है ये चीज, ठीक है, अभी बस इतना लिख लेना, ये आर टू द पावर थ्री पर होती है बेस्ड, ठीक है, एक बात का ध्यान देना कि अगर मेरी कोई चीज वन बेस्ड पर आर टू द पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ही वो वीक होता है, ठीक है, तो ये मेरे आर रेस्ट टू पावर थ्री के इक्वल होती है, ठीक है, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ये जो मेरा होता है ये वाला आयन डायपोल, ठीक है, आयन डायपोल मेरा वन बाय आर एच टू पार्ट फोर के इक्वल होता
ठीक है, मतलब ये देखो ये बढ़ गया, ठीक है, और ये जो होता है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r^3 होता है, ठीक है, और एक r^6 भी होता है, ठीक है, वो भी बाद में देखेंगे, लिख लेना, ठीक है, ऐसा चलो लिख लो फॉर नॉन रोटेटिंग, ठीक है, फॉर नॉन रोटेटिंग मतलब जो रोटेट ना कर रहा हो, ठीक है, और अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो r^6 के बराबर हो जाता है फॉर रोटेटिंग, मतलब कि अगर जो मेरा डायपोल है वो रोटेट कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा HCl ऐसा होता है, वो रोटेट भी तो करेगा ना, चारों तो घूमता रहता है, वैसे घूम रहे हैं HCl, ठीक है, तो हम जनरली ये वाला लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये है, और इस बार नीट का पेपर तुमने देखा होगा प्योर एनसीईआरटी की एक लाइन से आया है, तो ये वाली बात का ध्यान देना, लिख लो, थोड़ा वो समझ में आया तो तुम सीख जाओगे या तुम ये चीजें पढ़ोगे ना, ठीक है, अभी लिख लो नोट्स में, ठीक है, आगे मैं दोबारा बता दूंगा जब तुम पढ़ लो, ये जो होता है मेरा, ठीक है, ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r^6, और ये भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर, मतलब क्या हो गया, मैंने अभी तुम्हें बताया जितनी ये पावर ज्यादा होती है उतना ही मेरा वीक होता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया ये, ठीक है, उसके बाद मेरा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद इन दोनों के बीच में होता 6 ही है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इंस्टेंटेनियस होता है ना एट पॉइंट, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है, तो इतनी बात समझ गए, बोलो एक छोटी सी पॉइंट लिख लो, ठीक है, मेरे जो लंडन फोर्सेस होता है, लंडन फोर्सेस बोल रहे इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब जितने ज्यादा मेरे फोर्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, मैंने तो बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह डायपोल डायपोल, उतना ही मेरा बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली, ठीक है, और जितना मेरा सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया उतना ही मेरा कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, तो इस रिलेशन को लिख लो, सीख जाओगे जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, ठीक है, अभी भी समझा सकता हूँ, देखो मान लो इतना तुम्हें पता है ना, इसके बारे में जानते हो ये कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ा जानते हो कौन है ये, पेंटेन है ना, ये इतना पता ना, पेंटेन है ये, पता है ये पेंटेन है, ठीक है, और अगर मैं तुम्हें एक ये बना दूं, एक ये बना दो, ये भी 5 मेंबर है, ये भी 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, अगर मैं इन दोनों में बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो आंसर साफ है कि जो मेरा जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, उतना मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो मेरे बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सर्फेस एरिया के इनवर्स है, तुमको सोचो इसका सर्फेस एरिया ज्यादा है, अगर सर्फेस एरिया ज्यादा है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बढ़िया इंटरेक्शन करेगा, अगर बड़ी इंटरेक्शन करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही क्या होता है कि दो एटम्स को तुड़वाना, वही होता है ना, दो मॉलिक्यूल्स को तुड़वाना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऑर्डर है मॉलिक्यूल, दूसरे ऑर्डर है मॉलिक्यूल से हम उन दोनों को आजाद करवा रहे हैं, ठीक है, तो और यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि सर्फेस एरिया कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाए, ठीक है, समझ गए, बोलो ऐसे एक और एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, जैसे मेरा CH4 है, ठीक है, एक SiH4 है, ठीक है, और एक और बात ध्यान दे देना, यहाँ पर एक और चीज लिख लो, एक और चीज ऐड कर लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोलर मास का भी लिख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे मेरा CH4 है और SiH4 है, इन दोनों में अगर मुझे बताना है, ठीक है, अभी लिख लो तुम समझ जाओगे, CH4 ये दोनों एक ही पीरियड में आते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही पीरियड में आते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं बताना चाहूँ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तुम्हें अच्छे से बताए, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, नहीं पता तो तुम सीख जाओगे, ये उसके नीचे आता है, तो इसका मोलर मास ज्यादा हो गया, मोलर मास ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो ये और ये चीज इसकी एप्लीकेशन हो गई, बाकी डिटेल में जब तुम केमिकल बॉन्डिंग में सीख जाओगे ना तो मैं दोबारा से करवा दूंगा ये वाले और डिटेल में, ठीक है, इतना सफिशियंट है, वैसे मैं एग्जांपल और तब करवा दूंगा जब तुम एटम्स के बारे में जान जाओगे, समझ गए, बोलो ठीक है, तो अब थोड़ा सा लिख लो, ठीक है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये वाली जो समझाने की बात थी, अब हम गैस पे आ जाते हैं, प्योर, अब हम पूरे चैप्टर में गैस के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो हमने सारी चीजें पढ़ ली फोर्सेस वगैरह के बारे में, ठीक है, तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ठीक है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, पता ही है तुम्हें, मैं बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले क्या है, नो फिक्स्ड शेप
एंड वॉल्यूम, तुम्हें पता है उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती ना कोई वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक है। अगली क्या, मोर कंप्रेसिबल होता है, अच्छे से पता तुम्हें, मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। अगला क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है वॉल्यूम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, तुम्हें अच्छे से पता है अगर मान लो मेरी गैस है, ठीक है, गैस 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 को अगर मैं दबाऊंगा तो गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो मेरा क्या होगा, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूं उस पर मेरी वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगला, गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, ये मैं तुम्हें बताया ही था, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तब तो गैस है, गैस नाम का इसीलिए तो है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी बात, इतने सफिशियंट है इनके लिए, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज बाकी बहुत और भी होती है, वो बचपन में तुमसे पूछा जाता था, कोई नहीं पूछेगा, बस जो इंपॉर्टेंट वाली थी वो मैंने तुम्हें लिखवा दी। अब ये लिखने के बाद हेडिंग डालना पैरामीटर, चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर लिखवाता हूँ, बोर्ड चाहिए मुझे पूरा, नोट कर लिया, बोलो, बस आज का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, फिर बंद कर देंगे। पैरामीटर्स टू डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, चार पैरामीटर्स है, ठीक है, जिनके बेसिस पे एक तरह से लगा लो कि अगर मुझे तुम्हारा स्टेट पता करनी है, मतलब स्टेट मतलब कि तुम्हारी पोजीशन पता करनी है, तो मुझे तुम्हारी तुम्हारा नाम पता होना चाहिए, तुम्हारे घर का पता पता होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पापा का नाम पता होना चाहिए, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या, वो मेरे पैरामीटर्स है तुम्हारे बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली गैस को अगर मुझे जानना है तो मेरे उसके चार पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, सबसे पहला मेरा कौन सा होता है, प्रेशर, ठीक है, दूसरा मेरा होता है वॉल्यूम, तीसरा मेरा टेम्परेचर और चौथा मेरा होता है अमाउंट, ठीक है। तो ये मेरे चार पैरामीटर्स होते हैं जिनको अगर मैंने पहचान लिया, ठीक है, गैस के लिए अगर एडजस्ट किया उसके हिसाब से मेरी गैस की प्रॉपर्टीज पे मतलब इफेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं, डेफिनेशन वगैरह क्या लिखनी, तुम अब बच्चे तो होने तो बस समझ लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस का मतलब ये है कि अगर मैं इस बॉक्स में गैस डाल रहा हूं तो वो इन बॉक्स पर कितना प्रेशर लगा रही है, प्रेशर ऑफ गैस का मतलब होता है कि वो इन वॉल्स पर कितना प्रेशर लगा रही है, वही मेरा होता है प्रेशर ऑफ गैस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ प्रेशर को, कोई लिखना चाहता है लिख ले, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, ठीक है, वो होता है मेरा प्रेशर, ठीक है। मेन जो चीज आती है, मेन आती है कि उसको यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बताओ इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं, हम एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे जो जनरल यूज होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो मेरी पास्कल होती है, सबको पता होगा, पता होगा पास्कल होती है, सबको पता है, बोलो नॉर्मल सी बात है, तो ठीक है सबको पता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली ये यूनिट यूज नहीं करते क्योंकि वो छोटी होती है यूनिट, ठीक है, मतलब हमें बहुत बड़े बड़े प्रेशर मेजर करने होते हैं तो छोटी पड़ती है, तो हम दूसरी यूज करते हैं, ठीक है, जो जनरली यूज करते हैं हम उनकी बात करते हैं, हम यूज करते हैं एटीएम, ठीक है, बार, MMOHG और टोर, ये मेरे जनरली हम ये चार यूनिट्स को यूज करते हैं, ठीक है, जनरली तुम पढ़ोगे पूरे चैप्टर में ये चार होगी और सबसे ज्यादा तो ये यूज होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होगी। इन सब के बीच में रिलेशन अगर तुमने जान लिया तुम्हारा आधा काम हो गया, ध्यान रखना मेरे 1 ATM होता है वो मेरा 1.103 बार होता है, इस रिलेशन को कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कभी भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद कैसे करना है, तुम ऐसे याद रख सकते हो, मेरा जो ATM है, ठीक है, अगर मैं ATM को लिखूं, ए मेरा कैसा दिख रहा है, जीरो जैसा दिखता है, टी मेरा 1 जैसा दिखता है, एम को अगर मैं, ये एम मेरा लेटा हुआ है, अगर मैं इसको सीधा खड़ा कर दूं 3 की तरह दिखता है, तो मेरा जो ATM है 1 ATM वो किसके इक्वल हो जाता है 1.013 बार। शॉर्टकट है, मतलब याद करने का तरीका है, कभी नहीं भूलोगे ऐसे, ठीक है, तो ये वाली चीज तो कभी मत भूलना, ठीक है। और एक और मैं रिलेशन लिखवा देता हूँ जो यूज करेंगे, ठीक है, लिख लो, जो मेरा 1 ATM होता है, ठीक है, जो मेरा 1 ATM होता है 1.013 इंटू 10^5 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 760 MMHg के इक्वल होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 760 टोर के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर इसको भी एक और भी साथ में लिखना, विच इज इक्वल टू 1.013 बार इक्वल,
तो ये मैंने एक ही लाइन में सारे रिलेशंस लिख दिए, ठीक है, जो तुम्हारे यूज होंगे मैं तुम्हें वहां वहां बता दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होगा वो ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा, ये वाला, ठीक है। 1 ATM में 760 mmHg होता है, ठीक है, ये एक यूनिट होती है, समझाऊंगा ये यूनिट कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन भी भूलना। तो इतनी बात समझ के बोलो, मिलते हैं कल, मिलते हैं, ठीक है।